नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे T20 का, जो कि बहुत ही रेयर होता है कि किसी दो टीमों के बीच में पांच T20 की सीरीज हो, और चौथे T20 पे आज हम प्रेडिक्शन गेम प्ले करने वाले हैं। क्रिकेट 19 गेम का नाम है। एक बार फिर मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड बनाऊँ। हमारी गेम में क्रिकेट 19 में टूर मोड होता है। टूर मोड मतलब कि पूरा का पूरा टूर खेला जाता है। अभी वनडे भी आएगा, T20 भी आएगा, जैसा कि रियल लाइफ में होता है। और इंग्लैंड यहाँ पर टूर कर रही है न्यूजीलैंड का इस गेम में भी। अब रियल मैच जो है वो मैकलीन पार्क में है, लेकिन हमारे में मैकलीन पार्क है नहीं, तो हमने वेलिंगटन में ही डिफॉल्ट आया हुआ है, सब कुछ सेट हो गए तो वही रखा है। मैंने टीम सेलेक्ट कर दी है ओरिजिनल, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक प्लेयर जो है वो 30 की स्क्वाड में नहीं है पूरी गेम में। न्यूजीलैंड की टीम में ब्लेयर टिकनर नए खिलाड़ी होंगे या जो भी हो, लेकिन वो नहीं है, तो उनकी जगह हमने लॉकी फर्ग्यूसन को जगह दी है। He's on fire. Fantastic performance. Oh, what a leap. Takes a superb catch. What a win. That's done it. The whole team running over to celebrate. शुरुआत हर बार की तरह दोनों देशों के नेशनल एंथम के साथ। यहां पर इंग्लैंड न्यूजीलैंड दोनों बहुत ही टक्कर की टीम है। यहां तक कि लास्ट मैच जो था हमारा, वो हमारा सुपर ओवर में गया था। तो अगर आप लोगों ने तीसरा T20 का गेम प्ले ना देखा हो तो जरूर देखें, बहुत ही जबरदस्त गेम प्ले था उसका। और नेशनल एंथम के बाद टीम आपके सामने होगी, और टीमों के बाद, टीम के नाम आ जाने के बाद यहां पर उतरेंगे हम लोग अपने टॉस के लिए कप्तानों के साथ, मैच रेफरी के साथ। यहाँ पर कप्तानी यहाँ पर कर रहे हैं टीम साउथ ही, न्यूजीलैंड की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से यहाँ पर हो रही है कप्तानी मॉर्गन की तरफ से। कंडीशन, हवा एक बार फिर बहुत ज़्यादा तेज है, और हमारे वहाँ गुजरात में भाई साइक्लोन का खतरा है। आज के दिन, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, आज के दिन वार्निंग है, और देखते हैं क्या होता है आज के दिन हमारे वहाँ। यहाँ पर मैच में अगर बात करें तो इंग्लैंड का टॉस का कॉल है। यॉन मॉर्गन हमेशा खुश रहते हैं, ये बात मैं हर बार नोटिस करता हूँ, और कितना फ़र्क होता है स्माइल का इंसान के चेहरे पे। मैं टीम साउथी के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मॉर्गन के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इंग्लैंड ने जीता टॉस, और पहले बैटिंग करने उतरेगी। हार्ड मोड मैंने रखा है, ये हार्डेस्ट मोड हटा दिया है मैंने। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो मैं बॉलिंग जो है वो सबसे मुश्किल मोड में करूँगा, क्योंकि बैटिंग जो है वो हार्ड मोड में करूंगा ताकि बराबरी पे आ जाए टीम। शुरुआत होती हुई यहाँ पर ब्लेयर है नहीं, तो हमको फर्ग्यूसन के साथ ही गेंदबाजी की शुरुआत करनी पड़ रही है। अगर टीम में होते प्लेयर गेम में होते, गेम में ही नहीं है, टीम की तो दूर की बात है, गेम में ही नहीं है। पहली गेंद हर बार की तरह इस डॉट के साथ शुरुआत हो गई। हम लोग अब सीधे चलेंगे सिमुलेशन की तरफ, क्योंकि ये जो गेम प्ले है ये हमारा प्रेडिक्शन वाला गेम प्ले है, ये रियल मैच से रिलेटेड मैच है। तो हम लोग यहाँ पर हर बार की तरह अपना गेम प्ले फॉर्मेट ही फॉलो करेंगे। 15 ओवर का हिस्सा यहां पर होगा ऑटो प्ले। अंत के 5 ओवर हम दोनों टीमों को बराबरी का मौका देंगे खेलने का। इस सोड़ी आए, इस सोड़ी देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। यहां पे पहली गेंद अपील हो रही है मेरी तरफ से, लेकिन अरे रे, अरे रे, अपील क्यों नहीं हुई। रन बाय का मिला है, अपील करने का रीजन ये था, अरे रे, लेकिन पिचिंग आउटसाइड लेग था, ध्यान नहीं दिया मैंने इस बात पर। यॉर्कर मतलब टॉप स्पिन कराने की कोशिश है यहाँ पे, सीधा पैरों पे गई है, लेकिन जो शॉट खेला है जेनिक्स ने बहुत ज़बरदस्त, यानी एग्जैक्ट जो बाउंड्री लाइन का जो लिमिट होती है ना, एग्जैक्ट वहीं जाके गिरी है। बहुत ही ज़बरदस्त रिप्ले यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त रिप्ले आपको देखने को मिलेगा। और क्या कैमरा एंगल आया है यहाँ पे, ड्रोन की मदद से लिया गया, सीधा वहीं जाके लगा है, ये देखिए बहुत मजेदार शुरुआत हुई है न्यूजीलैंड के गेंदबाजी में और इंग्लैंड की बैटिंग में। फिर से वहीं खेला है, थोड़ा सा क्रॉस है,
वन बाउंस जाता हुआ। चैनिंग्स यहां पर बड़ी इनिंग की तरफ बढ़ते हुए, और बड़ी से ज़्यादा जरूरी टेंशन की बात यह कि तेज इनिंग के साथ बढ़ रहे हैं। अगर बड़ी इनिंग होती तो भी नुकसान होता, लेकिन तेज़ इनिंग है तो वो और ज़्यादा नुकसान कर रही है। यहाँ पे गलत गेंद पड़ गई है और शॉट सही जगह खेल दिया है, इसका मतलब है एक और गेंद चार रन के लिए जाएगी। अब हमारी गेम में हालात ये हैं कि न्यूजीलैंड, रियल मैच में न्यूजीलैंड 2-1 से आ गए हैं, लेकिन हमारी गेम में इंग्लैंड 2-1 से आ गए हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने बीच में एक मैच जो है वो हार्डेस्ट मोड में खेल दिया था, तो फ़ायदा हो गया था टीम को। इस बार फिर हल्का सा फ्लिक किया है गेंद को, और फील्डिंग काफ़ी धीरे देखने को मिल रही है। यहाँ पर हर एक गेंद पर रन आया अभी तक, और 16 रन 4 गेंदों के बाद हैं। आखिरी गेंद की कोशिश है, गुगली करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं। सिंगल ही आएगा सिर्फ, फिर भी महंगा ओवर रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा रहा है। रन रेट चला गया है 9 के ऊपर, और अगर इसी हिसाब से इंग्लैंड खेलती रही तो फिर एक चीज़ कंफर्म है कि भाई 190 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है। 180 तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस गेम में एक अजीब सा, पता नहीं हर बार होता है ऐसा कि अंतिम 2 या 3 ओवरों में ये लोग पूरी तरह से मैच पर से पकड़ खो देते हैं। ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। इस बार एज लगी है, लेकिन पैरों पर जाके लगी थी, पहले बल्ले से टकराई, इनसाइड एज लगा, फिर पैरों पर जाके लगी, और उसके बाद 4 रन के लिए चली गई है। इसका तो कोई यार, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। गेंद को अगर स्विंग करा रहे हैं और वो बल्ले का किनारा लेके जा रही है, तो फिर उसमें आप क्या करोगे। बैक फुट पे खेला हुआ शॉट, मदद ली है यहाँ पर, और सिंगल हाल फिलहाल कंप्लीट करेंगे यॉन मॉर्गन। हर बार की तरह एक बार फिर टिके हुए हैं हमारे सामने, अभी अभी आए हैं बैटिंग करने, लेकिन हर बार हमारे सामने वो आते हैं बैटिंग करने, चाहे मैंने कितने भी मैच खेले हो, अगर यॉन मॉर्गन टीम में है तो आएंगे बैटिंग करने। बड़ा शॉट की कोशिश है, हाल फिलहाल सफल हुआ है जेनिंग्स की कोशिश, चौका लगा है इस बार। बहुत ही बेहतर शॉट, एक एक शॉट जो इन्होंने लगाए आप उसमें गलतियां नहीं निकाल सकते, इतने बढ़िया और इतने अच्छे तरीके से शॉट लगाए सब। एज लगाने की कोशिश है, स्लोअर गेंद डाली है, लेकिन उसे पहले ही पढ़ लिया था, और इस बार तो भाई जेनिंग्स को रोकना नामुमकिन लग रहा है मेरे को। 50 रन आसानी से कर लेंगे ये, जिस तरह से शुरुआत की है, 23 गेंदों में इन्होंने रन मारे हैं, मुझे नहीं लगता है कोई चांस है हमारे इनको रोकने का। बाउंसर की कोशिश है, और हाल फिलहाल नुकसान में रहे हैं, हुक शॉट की कोशिश थी, पहले ही पड़ लिया था, स्लो गेंद है, और कोई गलती नहीं की है यहाँ पर शॉट लगाने में। कीपर बेचारे चौकन्ने रह गए हैं। अब हमारे पास एक ही उम्मीद है कि आखिरी ओवरों में जो अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग देते हैं वही आज भी दें। सिंगल स्ट्राइक रोटेट किया है, मैं मानता हूँ बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि अगर जेनिंग से 50 जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, एक मेंटली जो कहते हैं ना कि प्रेशर हट जाएगा उनके ऊपर से अगर 50 जल्दी हो जाते हैं तो। बढ़िया लाइन, बढ़िया लेंथ, सिंगल ही दे पाएंगे यहाँ पे, बढ़िया एक रन के साथ यहाँ पर ये गेंद पूरा होता हुआ। रन रेट 9 से ऊपर बढ़ चुका है, एग्जैक्ट 190 का है, अगर यही फॉर्म से कंटिन्यू करेंगे, और ये फॉर्म छोड़िए, अगर पिछले 2 ओवर का फॉर्म कंटिन्यू कर दिया ना, 210-220 भी जा सकता है, क्योंकि 16-16 रन आ रहे हैं हर एक ओवर में, और अगर अभी 2 ओवर भी है तो 32 रन और आएंगे, और ये ओवर भी बाकी है, तो भाई 200 तो हो ही रहा है आराम से। फ्लिक किया हुआ शॉट, बढ़िया थ्रो, सिंगल जाता हुआ, वही हो रहा है भाई, वही हो रहा है जो मैंने कहा था। 50 पूरे किए हाल फिलहाल जेनिंग्स ने 26 गेंदों में, काबिले तारीफ इनिंग, और अभी भी पिच पर है, अंतिम समय है मैच की पहली इनिंग का, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। न्यूजीलैंड वापसी की उम्मीद है, देखिए वही हो रहा है, मैंने जो कहा ना वही हो रहा है, अंतिम की ओवरों में इस गेम में बैट्समैनों को पता नहीं क्या हो जाता है, लकवा मार जाता है पैरों में, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, मोतियाँ बिंद हो जाता है आँख में, और पता नहीं हाथ कांपने लगते हैं, क्या है पता नहीं, लेकिन एकदम से रन रेट में पूरी तरह से रुकावट आ जाती है। ये है इनिंग चैनिंग्स की,
दो धमाकेदार सिक्स लगाए थे और उसके अलावा बाउंड्रियां सिंगल डबल आप देख सकते हैं। वक्त है आखिरी दो ओवरों का, यॉर्कर के साथ शुरुआत कर रहा हूं। बस मुझे एक ही चीज का डर है, एज का। ओ ये क्या हो रहा है, ये तो कैच के लिए अपील है और यहाँ पर मजा आ गया भाई, जेनिंग्स को आउट कर दिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट मौके पे। ये कौन है दाढ़ी वाले भाई, ये ऐसा कोई प्लेयर है न्यूजीलैंड में, पता नहीं मुझे। हाल फिलहाल तो अपने फॉलो थ्रू में कैच किया है और ये मेरा अभी तक का शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि बॉलर ने खुद ही कैच किया हो, तो बहुत ही बड़ा मौका यहाँ पर, बड़ा विकेट भी लिया है। 11 गेंदे बाकी हैं और इस समय इंग्लैंड के लिए विकेट गंवाना वो भी चैनिंग्स जैसे प्लेयर का, कोई बात नहीं। यहाँ पर बेन स्टॉक्स आ गए हैं, दोनों लेफ्टी आ गए हैं और देखिए यॉर्कर डालना कितना सही फैसला रहा है अभी हमारे लिए। मैं फिर से यॉर्कर डाल रहा हूँ, इस बार सिंगल ही ले पाएंगे। जी हाँ, आखिरी 10 गेंदे, कोशिश तो डेफिनेटली करेगी यहाँ पर इंग्लैंड की 180 का स्कोर खड़ा कर दिया जाए। वो पाएगा कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करेगी। यहाँ पे सिंगल आता हुआ, जिस बात का एग्जैक्ट डर था वही हुआ है पूरी तरीके से। यहाँ पे रन बनना रुक गया है, पिछली 9 गेंदों में शायद 9 रन भी नहीं आए होंगे मेरे ख्याल से, और उसके पहले की 9 ओवर अगर 9 गेंदे देखें तो लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन होंगे। लेकिन लगाया है बड़ा शॉट, बेसब्री से इंतजार हो रहा था इंग्लैंड, और फिर से वही शॉट, फिर से जाके लगा कहाँ पर है, बाउंड्री का जो रूट्स हैं, जो रस्सियां लगाई गई है बाउंड्री पे, वहीं जाके एग्जैक्ट लगा है। तैयारी करेंगे हम फिर से, यॉर्कर की मदद ले रहे हैं कि भाई यॉर्कर ही कुछ मदद कर दे हमारी, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखना होगा क्या होता है इस गेंद पे, एक और बाउंड्री लगती हुई, कवर कर लिया है ओवर, ये ओवर बेन स्टॉक्स ने कवर कर लिया है। और जेनिंग्स का जाना पता नहीं अच्छा रहा है कि खराब, लेकिन अभी के लिए तो वो मेरे ख्याल से खराब ही रहा है, क्योंकि उतनी ही स्पीड से रन बना रहे हैं यहाँ पर बेन स्टॉक्स। फिर से कोशिश की, सिंगल तो कन्फर्म है ही, लेकिन 2 के लिए अभी के लिए ना गए, ओवर होता हुआ पूरा 180 समझ लो हो ही गए, 180 यहां पर क्रॉस हो चुके हैं। आखिरी ओवर के लिए सेंटनर्स की मदद ली, और देख सकते हैं आप क्यों इनको ओवर दी गई है, इनका बॉलिंग कार्ड देखिए आप, एक ओवर में 4 रन दिए थे सिर्फ, स्विप शॉट के भरोसे रहेगी तो फिर खत्म है मैच। न्यूजीलैंड के लिए फायदा हो जाएगा अगर स्विप शॉट लगातार इंग्लैंड के बैट्समैन खेलते रहे तो। मैं मानता हूँ मैंने फुल लेंथ गेंद दी थी इसलिए उन्होंने खेला है शॉट, लेकिन फिर भी अवॉइड करना होगा, एक गलत गेंद डाल दी थोड़ी, फिर से स्विप शॉट, कोई मदद नहीं मिलेगी यार स्विप शॉट से। अरे क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है तेरी, एम्पायर तक हंस रहा है हमारे ऊपर, ये स्विप शॉट पे खेल गया यार। स्विप शॉट तो सबसे बड़ी कमजोरी है इस गेम में, और ये भाई साहब यार फ्लिक शॉट करते हुए 180 क्रॉस हो चुका था, वो तो हो ही गया था। 6 रन की कोशिश होगी यहाँ पे कि कम से कम इस ओवर में 6 रन आ जाए। मैं मानता हूँ कि बहुत बढ़िया बैटिंग नहीं की है पिछले 3 ओवरों में इन्होंने, इंग्लैंड ने, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शॉट लिमिटेड हो गए हैं। अब ये जानबूझ के इस तरह का माइंड सेट है कि सही में अच्छी गेंदबाजी हो रही है, ये भी कहना मुश्किल है। एक बाउंड्री इस ओवर में बहुत ही खराब लग गई, वरना तो यार सिर्फ यहाँ पर आते हुए 2 रन आते सिर्फ। बड़े शॉट की तैयारी में हैं लेकिन शॉट लगा नहीं पा रहे, ये चीज भी बहुत ही क्लियर हो गई है। आखिरी गेंद इस ओवर में आए हैं 7 रन, ऊपर से एक बाउंड्री इन्होंने एक्स्ट्रा दे दी थी, मैक्सिमम 4 रन होता है इस ओवर में। आखिरी गेंद, इस बार भी सही ढंग से शॉट नहीं लगा पाए हैं, और कैच के लिए अपील हुई थी, कैच था नहीं मुझे पता है, लेकिन कैच के लिए चिल्लाए जरूर थे कीपर। ओवर, इनिंग, पहला इनिंग यहाँ पूरा होता हुआ, रिप्ले एंजॉय करिए। आज कई नए कैमरा एंगल्स आ रहे हैं, देखने में मजा आ रहा है गेम को, ये सब कैमरा एंगल पहली बार आ रहे हैं। आज पहली बार हमारी बाउंड्री रोप पे भी लगी है 6, आज पहली बार बॉलर ने अपने फॉलो थ्रो में कैच भी किया है, तो काफ़ी बढ़िया शुरुआत रही है हमारी आज के लिए। आप लोगों के पास कोई भी सजेशन हो, मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास कोई भी सजेशन हो, गेम आइडियाज़ हो, तो ज़रूर कमेंट करें,
अभी हाल फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि मेरे चैनल पे इतने सारे सीरीज चल रहे हैं, WWE चल रहा था, मैड मैक्स भी आधा अधूरा छूट गया है, बीच इनसाइड चल रहा था, क्रिकेट का 19 का तो है ही अपना क्रिकेट मेन, तो चार चार पाँच पाँच गेम की सीरीज चल रहे हैं तो टाइम ही नहीं हो वहाँ। फुटबॉल का सीरीज चल रहा है, वो भी चल रहा है, पर फिर भी आप लोग कमेंट करें अगर कुछ आइडियाज़ हों तो, मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगा उसको करने की। लाजवाब इनिंग खेली जेनिंग्स ने, आते ही शुरू के तीन ओवरों में, दो ओवरों में गिनो आप, दो ओवर में इतने रन बना लिए कि जो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए बनाना, लेकिन अंत में आउट भी हुए। बेन स्टॉक्स आए, बेन स्टॉक्स ने भी मैं मानता हूँ अपना काम बखूबी निभाया है यहाँ पर, जिस तरह की जरूरत थी, आते ही बड़े शॉट खेले, एक गेंद खेली उसके बाद चौका लगाया, सिक्स लगाया, तो बढ़िया रहा इनिंग हम आपको दिखाएंगे। छः गेंदों में 14 किए स्टॉक्स ने और अब 14 में 15। मॉर्गन आज के दिन थोड़े से खामोश रहे हैं, मैं नहीं मानता 14 में 15 अच्छी इनिंग है। जेनिंग्स लाजवाब ओपनर्स ने एक बार फिर सबने अच्छा खेला है आप कह सकते हो, क्योंकि दो बैट्समैन नॉट आउट हैं और बाकी के सबने अच्छा खेला है। बॉलिंग में अगर देखें हम, बॉलिंग में तो सबसे अच्छी बॉलिंग की सेंटनर ने, एक बाउंड्री आ गई थी वरना वहाँ 2 या 3 रन कम होते, तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अभी भी 2 ओवर में 11 रन दिए हैं। उसके अलावा ब्रेंड होम बहुत बढ़िया डाले हैं, पिटाई सबसे ज़्यादा हुई है कुगलेचिन की और विकेट उनको एक आया, ग्रांड होम और फर्ग्यूसन को भी एक विकेट आया है। और अब हम चलेंगे अपनी सेकेंड इनिंग की तरफ जहाँ पर हम लोग इस रन को करेंगे चेज, मार्टिन गप्टिल आएंगे, पहली गेंद का सामना करेंगे, क्रिस वॉक्स करेंगे उधर से गेंदबाजी इंग्लैंड की तरफ से, हर बार की तरफ पहली गेंद हम लोग खेलने वाले हैं, उसके बाद हम ऑटो प्ले करेंगे। मुनरो साथ दे रहे हैं, कॉलिन मुनरो उनका क्विक सिंगल, बॉलर को दौड़ना पड़ रहा है, ये अजीब बात है। हाल फिलहाल एक अननेसेसरी कॉल था वरना अभी आउट भी हो जाते हैं। सिमुलेशन का वक्त है, देखते हैं क्या होता है, क्या मैच का सिनारियो जबरदस्त होता है, मैं पूरी 10 ओवर भी खेलने की कोशिश करूंगा अगर क्या हाल है रनों की, क्या हाल है, रन दिखते नहीं है यहाँ पर, 60 में 106, अरे भाई तो बहुत टफ होने वाला है और अच्छा है, मैं मानता हूँ अच्छा है मेरे लिए, टफ सिनारियो में खेलना और मज़ेदार होता है। चलिए भाई मुश्किल होने वाला है, कंफर्म है, 9-10 का 10 का तो होगा ही रन रेट, 30 में 56 रिक्वायर रन रेट 11 का है, मुश्किल है ये मैच, अरे रे मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो गया यार। पहली गेंद आदिल रशीद को विकेट मिल चुका है, अब 29 में 56 चाहिए, DRS की तो बात ही नहीं होगी क्योंकि एज की आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दी है ईयरफोन्स में, हेडफोन्स में भी, तो मैं नहीं मानता यहाँ DRS का ऑप्शन है। रोज टेलर आउट हुए हैं, अभी अभी आए थे, और न्यूजीलैंड बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुका है इस वक्त, मैं बड़े शॉट का सोच भी नहीं सकता इस समय, हालात ऐसे हैं, लेकिन फिर भी रिस्क लिया है और हाल फिलहाल ये रिस्क लेना बहुत भारी पड़ गया है। टाइमिंग सबसे कम बाउंड्री वाली तो थी यार, बाउंड्री वाली तो थी, ओके टाइमिंग से खेला था मैंने शॉट, कोई बहुत गलत टाइमिंग से नहीं खेला था, लेकिन फिर भी प्लेयर ने, फील्डर ने काफ़ी रनिंग की है, पीछे गए हैं जाके उसे रोका है और सेंटर को हाल फिलहाल गोल्डन डक पे आउट किया है। फील्डिंग सेटअप सीरियसली यार, फील्डिंग सेटअप इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है फील्डिंग सेटअप की, मैं बड़े शॉट का सोच सकता हूँ लेग साइड पे, लेकिन फुल ऑन रिस्क है, जैसे कि अभी की टाइमिंग में अगर मैंने खेला होता रिस्की शॉट तो 100% सिक्स होता हूँ, लेकिन उस तरह की गेंद आई नहीं थी, उस तरह का टाइमिंग लगा नहीं था। एक और एज लगता हुआ, अर्ली टाइमिंग आ रहा है, यकीन नहीं हो रहा मुझे, यकीन नहीं हो रहा, अर्ली टाइमिंग आया ये, 4 गेंदें 2 रन और सबसे बड़ा झटका तो ये दिया इन्होंने कि 2 बड़े विकेट निकाल दिए हैं। फिर से कैच ना हो जाए, जी नहीं, इस बार गैप में गई है गेंद और अगर गैप में गई है तो चौका जाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चौके की क्योंकि रन रेट फिर 12 का हो जाता और 12 का रन रेट पे फिर आप बैटिंग जब करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर में गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इस बाउंड्री की, मैं फिर से कोशिश तो कर रहा हूँ उधर के शॉट की, अरे कहाँ गई गेंद, दिखी भी नहीं, वो अर्ली टाइमिंग आ रहा है,
पढ़ने में फ्लॉप हो रहा हूँ मैं, गेंद को पढ़ने में फ्लॉप हो रहा हूँ। 24 में 49 कहने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि रन रेट अब बढ़ चुका है बहुत ज्यादा, और अब अगर बड़े शॉट नहीं लगाए तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे रन बनाना। दो की कोशिश है, बहुत रिस्की रन है, लेकिन डाइव लगा के पहुंच गए हैं यहाँ पे। एक एक गेन यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करने वाला है, बड़े शॉट तो समझ लो भैया लगने ही नहीं वाले क्योंकि फील्डिंग सेटअप इतना जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग है। लेकिन कहते हैं ना यार, कभी कभी ज्यादा टाइमिंग भी नुकसान कर देती है, यहाँ पे हमें नुकसान हुआ है फायदे के बदले नुकसान में रहे। ये फील्डिंग सेटअप, हाँ यहाँ रन बन सकते हैं, यहाँ पे अगर पीछे की तरफ गेंद आती है तो रिस्क लेना पड़ेगा मुझे, वक्त ऐसा नहीं है। अब हालात ऐसे हैं कि भाई रिस्क नहीं लिया तो फिर मैच पूरी है मेरी। दो की कोशिश है और बढ़िया फील्डिंग, क्रेडिट जाएगा पूरा का पूरा फील्डर को जिसने ये बाउंड्री रोकी है, वरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था इस गेंद को रोकना। इस बार फिर कोशिश की है बड़े शॉट की और प्लेयर ने फिर से अच्छी फील्डिंग की है। मोइन अली कहाँ गए भाई, मैन ऑफ द मैच ले जाओ आप। आपने ऐसे समय ये दो बाउंड्रियां रोकी हैं जब अगर चली जाती तो इंग्लैंड थोड़ा सा मेंटली इस गेम में पीछे हो जाता। इस बार फिर दो की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत रिस्की रन है लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा भैया, रिस्क के बिना काम नहीं चलेगा इस मैच में, रिस्क के बिना काम नहीं चलेगा। और टीम साउथी को अधिक से अधिक गेंदों पे स्ट्राइक रखना होगा क्योंकि उनके पास जो फील्डिंग सेटअप है वो बहुत जबरदस्त है। अरे यार सिंगल से काम नहीं बनने वाला है, अब प्रॉब्लम ये है। कोशिश की है अग्रेसिव शॉट की लेकिन सफलता नहीं मिली और अब असली गेम शुरू होगा क्योंकि टीम साउथी स्पिनर के खिलाफ कैसा खेलते हैं वो सब कुछ डिसाइड करेगा। यहाँ पे गैप में जरूर गया है लेकिन कैच हो गए, नो बॉल है क्या? अरे बाप रे, किस्मत क्या यहाँ साथ देगी क्या? नो बॉल है क्या? अरे ये कैच ड्रॉप हुआ है, सॉरी नो बॉल नहीं है, कैच ड्रॉप हुआ है यहाँ पे। एक बार फिर बड़ा शॉट, गैप में गया है, दो रन की कोशिश है इस बार, आसानी से तो कर लिया है पूरा दो रन। और मिस ओवर थ्रो भी हुआ है, ओवर थ्रो भी हुआ था, अभी भी दो रन से थोड़ा सा बड़े रन चाहिए होंगे, कोशिश करनी होगी एक आध बड़े शॉट की जो सफल भी हो। अरे काम ही नहीं किया कंट्रोल, डॉट चला गया है, गेंद खतरे में आ गई यहाँ पे न्यूजीलैंड। इस बार गैप में गई है गेंद, अरे यार गुड शॉट क्यों नहीं जा रहा। इंग्लैंड ने शुरू के जो दो ओवरों में रन बनाए थे वो भारी पड़ गए न्यूजीलैंड को यहाँ पे, और लाख खुशियों के बावजूद भी हम लोग एक अच्छी टाइमिंग से शॉट नहीं लगा पा रहे हैं और यहाँ पर विकेट लगातार खोते हुए टीम साउथ की पी आउट हो गए हैं। एक बढ़िया ओवर का मौका था वो भी चला गया है। अब नीशम आए हैं और स्पिनर को फिर से लगा दिया, आदिल रशीद को वापस ला दिया गया है, नहीं ये वही है। अरे रे डॉट गेंद, बाप रे भैया अभी एक गेंद बाकी है, माफी चाहूंगा वही ओवर चल रहा है इस वक्त। एक सिक्स चाहिए भैया, कोई मतलब नहीं। अरे लेट टाइमिंग इस बार, और देखते देखते 8 विकेट गंवा दिया है और आदिल रशीद अनडाउटली यहाँ पर बॉलर ऑफ द डे कहलाएंगे, जब जब जरूरत था इंग्लैंड को तब तब विकेट निकाला है। दबाव इतना ज़्यादा बना दिया था 15 ओवर में कि अग्रेसिव शॉट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था न्यूजीलैंड के पास। गलतियाँ लगातार की है, टाइमिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, यहाँ पर नीशम का विकेट गंवा दिया है। बेन स्टॉक्स आए हैं और फील्डिंग सेटअप बहुत सॉलिड, 12 ओवर 35 रन, हर एक गेंद पे अब चाहिए 3 रन। और अर्ली शॉट एक बार फिर देखने को मिला है, गेंद स्टंप पे लग के हुई है बोल्ड और कमियां साफ साफ दिखाई दे रही है हमारी बैटिंग टेक्निक में, बैटिंग टेक्निक में गलतियां भरपूर। और आखिरी विकेट पे आ गया ये मैच,
शायद बैंगलोर में खेलना था, शायद कुछ और खेलना था, शायद कुछ और खेलना था, लेकिन एक सच जो है वो ये है कि आपने रन नहीं बनाए यहाँ पे, एक रिस्की रन ले रहे हैं हम लोग। सिंगल की बात अब रही नहीं है, बाय का इशारा देते हुए नौ बॉल भी अब आएगा नहीं, और अब मौका है सोडी के पास। मैं रिस्क लूंगा, भले आउट हूँ, मैं रिस्क लेने वाला हूँ पीछे की तरफ, और सफल रहा है अभी के लिए रिस्क। ये टाइमिंग दिखी नहीं थी पहले, और सिक्स क्या है, अरे गुड टाइमिंग में अगर सिक्स जा रहा है तो भाई आइडियल में तो कहाँ चली जाएगी गेंद। ऐसे शॉट्स की जरूरत है, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है जो हर बार होता है, विकेट हमारे पास अब सिर्फ एक ही बचा है। अगर एक गलती भी हमने कर दी यहाँ पर शॉट खेलने में तो फिर ये मैच हमारे लिए पूरा हो जाएगा। फिर से ओके टाइमिंग, अरे यार नहीं 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 यार नहीं वाले, जानबूझ के गेंद को हल्का सा शॉर्ट पिच रखा था ताकि उसे पढ़ने में गलती करें, और आसान कैच तो मैं नहीं कहूंगा फिर से एक बार, लेकिन ऑल आउट हुई है यहाँ पे न्यूजीलैंड। इंग्लैंड जीत गया है हमारे में सीरीज भी, 3-1 से यहाँ पर सीरीज जीत चुका है इंग्लैंड। सेलिब्रेशन और ट्रॉफी जो अनाउंसमेंट है वो अगले मैच में देखने को मिलेगा। आज के दिन अगर हम बात करें हाइलाइट्स की तो सिर्फ और सिर्फ विकेट दिखेंगे, विकेट 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 और विकेट और विकेट और विकेट। आदिल रशीद पहले ही ओवर में 2 विकेट गिरा दिए थे, बाकी कुछ विकेट हमने ऑलरेडी 4 विकेट गिर चुके थे पहले ही, उसके बाद 6 विकेट गिर गए अभी, और लाउट हो गई है यहां पर टीम। और इसी के साथ सीरीज भी यहां पर बहुत बहुत बधाई मिलती हुई इंग्लैंड की टीम को, डिजर्व करती है। अवे कंडीशन में खेल रही थी, उसके बावजूद यहां पर जीता है ये मैच। लाजवाब बॉलिंग परफॉर्मेंसेस, अंत में बैटिंग की बात करें इंग्लैंड की तो कुछ गलतियां की थी अंतिम 3 ओवरों में, लेकिन बॉलिंग में वो सब कुछ कवर कर लिया इन्होंने। एक्चुअली 3 विकेट खोई है हमने कि यार उसी का हाईलाइट बन गया है पूरा का पूरा, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं थोड़ा 2-3 दिन के गैप के बाद खेला था, ये भी शायद नुकसान कर गया है मेरे लिए हाल फिलहाल यहाँ पे। और मैन ऑफ द मैच आदिल रशीद बने हैं, कोई शक ही नहीं है इनके साथ। 30 रन देके 4 विकेट लिया है, कॉलिन मुंद्रो की इतनी शानदार इनिंग वेस्ट हो गई है, 75 रन किए थे 49 गेंदों में। उसके अलावा बैटिंग एक बार देखेंगे जरूर हम लोग, 2-3 गोल्डन डक देखने को मिले, और यही रीज़न है हारने का न्यूजीलैंड का, अगर वो तो थोड़े बहुत भी रन ऐड कर देते तो काम बन जाता। मुंद्रो के अलावा 26 कप्टिल ने किए, ओपनिंग ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, उसके बाद सब कुछ फ्लॉप हुआ है। और बॉलिंग में यहाँ पर 4 विकेट तो आदिल रशीद के नाम है ही, उसके अलावा दो विकेट आया है विली वॉक्स और स्टॉक्स के नाम, और इस तरह से हमारा चौथा T20 पूरा हो रहा है। और होप कुछ घंटों के बाद जब मैच हो तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता इंग्लैंड जीते, लेकिन देखते हैं क्या होता है इस गेम में, इस गेम प्ले के हिसाब से तो जीती है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। और अभी के लिए इस वीडियो में मैं ले रहा हूँ आप लोगों से विदा, और जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।